टुडे आई एम कमिंग हियर टू टीच यू द चैप्टर फर्स्ट पार्ट सेकेंड ऑफ योर इंग्लिश मूवमेंट बुक एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मूलराज आनंद। जैसा कि बच्चों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसका पार्ट फर्स्ट इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट आपको कराया था और उसमें मैंने आपको क्या बताया कि एक छोटा बच्चा था जो अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था और जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिजायरेबल होते हैं, उनकी इच्छाएं कभी उनका जो मन है कभी इस चीज़ की ओर अट्रैक्ट होता है कभी दूसरी चीज़ की ओर अट्रैक्ट होता है। इट वाज द सेम पोजीशन, वही कंडीशन इस बच्चे की भी थी और वो भी जो अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था तो मेले में डिफरेंट टाइप की जो थिंग्स थी उन्हें देखकर वो क्या हो रहा था, वो भी अट्रैक्ट हो रहा था। तो कल मैंने आपको इसका पार्ट फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, अब आगे देखते हैं क्या हुआ कि देखिए उसने क्या देखा कि कुछ जो कीड़े मकोड़े थे वो क्या थे, जो गांव के जो कच्चे रास्ते होते हैं खेतों से भरे हुए, मतलब मोस्टली फील्ड्स ज़्यादा होते हैं गांव में तो कीड़े मकोड़े मोस्टली ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो क्या कर रहे थे, जो कीड़े मकोड़े थे वो क्या आ गए थे अपने जो छिपने के स्थान से बाहर आ गए थे क्योंकि सनलाइट हो चुकी थी। तभी क्या होता है, कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रुप, आओ बच्चे आओ उसके माता पिता ने कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रुप, शेड मीन्स छाया, ऑफ ए ग्रुप मीन्स ऊपर छोटा जंगल, छोटे जंगल से उसे बुलाया, वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ, चापे में बैठे हुए थे, ऑन द एज ऑफ द वेल एक कुएं के किनारे पर, ही रैन टुवर्ड्स देम वो दौड़कर उनकी ओर आया, ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड। तभी क्या होता है, ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर यंग फ्लावर मीन्स जो फ्रेश फ्लावर्स की बौछारें होने लगी, एज ही एंटर्ड द ग्रुप, कब, जब उसने ही एंटर्ड द ग्रुप, जब उसने उपवन में क्या किया, एंटर किया, प्रवेश किया, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट और अपने माता पिता को एक बार फिर से वो भूल गया, क्योंकि बच्चा डिफरेंट थिंग्स देखता था एंड सीइंग द डिफरेंट थिंग्स द चाइल्ड अट्रैक्ट दीज थिंग्स सो ही फॉरगॉट हिज पेरेंट्स, इसलिए वो अपने माता पिता को क्या हो गया, एक बार फिर से भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड, और ही बिगेन टू गैदर वो इकट्ठा करने लगा द रेनिंग पीटल्स, पीटल्स मीन्स कलियां, बड्स, जो कलियां थी उन्हें क्या करने लगा, इकट्ठा करना शुरू कर दिया इन हिज हैंड, माने कहा मैं अपने हाथों में, बट लॉर्ड तभी ही हर्ड द क्वीन, उसने आवाज़ सुनी क्वीन मीन्स आवाज़ एक सुर ऑफ डव्स, डव्स मीन्स फाख्ता, कबूतर भी बोल देती है, तभी उसने डव्स की आवाज सुनी एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट और अपने माता पिता की ओर चला गया, साटिंग चिल्लाते हुए द डव, बच्चे ने तभी फाख्ते को देखा तो चिल्लाते हुए द डव और वो अपने माता पिता की ओर चला गया, द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और देखिए द रेनिंग पीटल्स जो उस उपवन में जब वो गया था तो उस पर पंखड़ियों की जो बारिश हो रही थी ड्रॉप मिस गिर गई फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स उसके हाथों से, क्योंकि बच्चे का जो ध्यान था वो क्या हो रहा था, डिफरेंट तरीके से भिन्न भिन्न चीजों को देखकर क्या हो रहा था, डिफरेंट थिंग की ओर अट्रैक्टिव हो रहा था। कम चैट कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल्ड टू द चैट, उन्होंने बच्चे को बुलाया, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स, जो गॉन रनिंग जो दौड़ रहा था इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनाइन ट्री, जो बरगद का एक पेड़ था उसके चारों ओर क्या कर रहा था, चकुल कर रहा था, इन गैदरिंग हिम
अब दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फियर थ्रू मस्टर्ड फील्ड एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फियर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। तभी क्या होता है कि देखिए वाइंडिंग फुटपाथ विच लीड टू द फियर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड और तब फिर वो उसके माता पिता से बुलाते हैं और फिर वो एक बार फिर से जो सरसों के खेत थे उस ओर चले जाते हैं। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कवरिंग टू द वर्फुल ऑफ द फियर एंड फेल्ट एट वंस रिपल्ड एंड फैक्सिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। Some difficult meaning discuss first. Throngs, crowd. एज ए नियर द विलेज जब वे गाँव के समीप पहुँचे द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ बच्चे ने कई फुटपाथ देखे फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स जो भीड़ से भरे हुए थे एंड कवरिंग टू द वर्पूल ऑफ द फेयर एंड कवरिंग टू द वर्पूल ऑफ द फेयर और वे सब कहाँ जा रहे थे मेले की ओर जा रहे थे एंड फेल्ट इट वाज रिपल्ड एंड फैक्सिनेटेड और देखो रिपल्ड वो थोड़ा प्रतिकर्षित भी हुआ क्योंकि बच्चा था मेले में क्या होती है बहुत भीड़ होती है तो थोड़ा पहले फर्स्ट तो वो क्या हुआ थोड़ा वेबिस भी हुआ एंड द कंफ्यूज्ड और थोड़ा डिस्टर्ब अस्त व्यस्त भी हुआ ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग वर्ल्ड मीन्स वो संसार जिसमें वो प्रवेश कर रहा था मीन्स वो मेला जिसमें वो जा रहा था। तो देखिए उसने क्या देखा ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर स्वीट डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड द चाइल्ड स्टार्ट ओपन आई एंड हिज माउथ वाटर्ड For the Barfi, that was his favorite sweet. I want that Barfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parent would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. अब देखिए कि as a near a sweet man seller hopped, एक मिठाई वाला मिठाई बेचने वाला hopped. आवाज दे रहा था गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस प्रवेश द्वार के किस पे कोने पे क्या था एक मिठाई की दुकान थी जिसमें जो हलवाई था वो आवाज दे रहा था अपने जो उसने डिशेज बनाई थी जैसे डिशेज में क्या था गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एंड क्राउड प्रेस अराउंड हिज काउंटर और जो लोगों की भीड़ थी प्रेस धक्का मुक्की कर रही थी धक्का मुक्की मतलब जो निकल रही थी कहां से प्रेस राउंड इज काउंटर एट द फुट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर स्वीट जो कि कई रंगों की मिठाइयां वहां पे बनी हुई थी डेकोरेटेड जो सजी हुई थी विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड कैसे सोने और चांदी की पत्तियों से जो सोने चांदी की पत्तियों से सजी हुई थी मीन्स मिठाई पे जो मिठाई होती है उनमें क्या चढ़ाए थे परत जस्ट एक कवरिंग हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे ये सिल्वर एंड गोल्ड की क्या है ये परत है उस पर लेयर बना दी जाती है मिठाइयों के ऊपर जैसे काय के लिए मिठाई को थोड़ी और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए दिखने के लिए तो ऐसी कुछ मिठाइयाँ थी और उन पर क्या थी गोल्ड एंड सिल्वर की कुछ लेयर थी
काय के लिए, टू अटैक द पीपल, लोगों को आकर्षित करने के लिए। और जो मिठाई वाला था वो अपने सामान को विभिन्न प्रकार से आवाज देकर सामान के बारे में बता रहा था। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आईज, बच्चे ने क्या किया, स्टार्टेड ओपन आईज एंड इज माउथ वाटर्ड। बच्चा विस्मय से बड़ा आश्चर्य से ओपन आईड एंड इज माउथ वाटर्ड। जब बच्चे ने उन मिठाइयों को देखा तो उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और देखिए बर्फी उसकी क्या थी, फेवरेट मिठाई थी। और बर्फी की उसकी फेवरेट मिठाई थी, और वहाँ पे बर्फी भी थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मैं इस बर्फी को चाहता हूँ। बच्चे ने क्या कहा, मैं इस बर्फी को चाहता हूँ। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से बुदबुदाया या कहा। बट ही हाफ न्यू, लेकिन ही हाफ न्यू, वो जानता था एज ही बेग्ड, कि जब वो निवेदन करेगा दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उसके निवेदन को सुना नहीं जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट वुड से, उसके माता पिता उसे कहेंगे, ही वाज ग्रीडी, वो कैसा था, लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, सो बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए ही मूव्ड ऑन, चला, क्योंकि वो जानता था अपने पेरेंट्स की पुरानी हैबिट को, कि जब मैं कुछ कहूँगा या रिक्वेस्ट करूँगा तो वे उसकी रिक्वेस्ट को नहीं सुनेंगे, तो इसलिए बच्चा चला गया। उसने आंसर की भी प्रतीक्षा नहीं की, क्यों, क्योंकि वे उसपे आरोप लगाएंगे और उसे लालची कहेंगे, इसलिए उसने आंसर का भी इंतजार नहीं किया। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक फूल बेचने वाले ने हॉग्ड में आवाज लगाई, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम इरिसेटिवली ड्राउन, इरिसेटिवली मीन्स पूरी तरह से ड्राउन, माने खिंच गया। देखिए तो इस स्टोरी में पूरी में देखिए डिस्क्राइबेशन किस चीज़ का हो रहा है, कि द फेयर देर आर मैनी डिफरेंट थिंग एंड सींग द डिफरेंट थिंग द चाइल्ड अट्रैक्ट टू द थिंग्स, और जो मेले में विभिन्न प्रकार की चीज़ें थी और उन विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखकर जो बच्चा हो रहा था वो क्या हो रहा था, उनकी ओर आकर्षित हो रहा था। अब तक कहानी में यही डिस्क्राइबेशन चला रहा है। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरिसेटिवली ड्राउन, ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड द हाफ मर्मर्ड, आई वांट दैट गार्लैंड, बट ही वेल हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक फूल बेचने वाले ने हवाई लगाई, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की एक माला, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की एक माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिसेटिवली ड्राउन, बच्चा पूरी तरह से उनकी ओर खींचा चला गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वो उस टोकरी के पास गया, वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पे जो फूल थे, ले हीप्ड फूलों का ढेर था। एंड हाफ मर्मर्ड, और उसने धीरे से कहा, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं ये माला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू इन पेरेंट, लेकिन वो बैट ही वेल न्यू इन पेरेंट, लेकिन वो अपने माता पिता को अच्छी तरीके से जानता था। वुड रिफ्यूज टू बाई हिम, वो उसे खरीदने नहीं देंगे। दोज फ्लावर्स, उन फूलों को, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे दैट दे वर चीप, वो फूल हैं वो कैसे हैं, सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना उत्तर के प्रतीक्षा किए ही मूव डाउन को क्या हो गया, चला गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद हेल्प, अब देखिए आगे अभी क्या हुआ, तो दो जब मेले में वो एंटर किया था तो उसने पहले तो जो स्वीट की शॉप देखी, और उसके बाद क्या देखी, फ्लावर शॉप देखी। स्वीट में उसे बर्फी बहुत पसंद थी, उसकी उसने डिमांड की, लेकिन वो जानता था अपने पेरेंट्स की हैबिट को कि वो रिफ्यूज़ कर देंगे, इसलिए वहाँ उसकी वो भी डिजायर पूरी ना हो पाई। और उसके बाद उसने किसके लिए कहा था, फूलों की एक माला के लिए उसने विनती की थी, लेकिन उसकी वो वाली बात भी मानी नहीं गई।
I want that, but the evil new parent would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. वो क्या कहेंगे? वो इसे फूल नहीं खरीदेंगे क्योंकि वे कहेंगे that they were cheap. ये कैसे फूल थे? सस्ते फूल थे. So without waiting for an answer, इसलिए बिना उनके आंसर की प्रतीक्षा किए ही भी गॉन, वो वहाँ से भी आगे चला गया. मीन्स दोनों ही इच्छाएं उसकी क्या हुई? प्रेस हो चुकी थी. अब देखिए, ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द ऑफ देयर स्क्रीन कलर्स एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलम डिजायर टू पजेस देम ऑल बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट वुड नेवर बाय हिम द balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther. So देखिए उसने क्या देखा. A man stood holding a pole. उसने एक व्यक्ति को देखा जो stood खड़ा हुआ था holding this पकड़े हुए hold catch holding a pole. Pole में से एक डंडे को पकड़े हुए था with yellow red green and purple balloons. और क्या थे उस डंडे में? पीले लाल हरे और पर्पल बैंगनी रंग के बैलून्स गुब्बारे फ्लाइंग फ्रॉम इट हवा में उड़ रहे थे. देखिए बैलून होते हैं वो थोड़े कैसे होते हैं, बहुत लाइट होते हैं. जब वो कहीं पे भी है वो होते हैं लटके हुए होते हैं तो वो क्या होते हैं, जैसे थोड़ी सी हवा आती है तो वो हवा में मूव ऑन होने लगते हैं, हलचल करने लगते हैं. द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे By the rainbow glory of their scarlet colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. The child was simply carried away by the rainbow glory of their scarlet colors. Simply carried away, आसानी से पीछा चला गया. कहा the rainbow glory, इंद्रधनुष जैसी शोभा, तुम्हारे their scarlet colors, उनके जो सतरंगे रंग थे, and he was filled with an overwhelming desire. और उसकी अत्यधिक इच्छा हुई पजेस देम ऑल, पजेस मीन्स उन सभी को लेने की. बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था हिज पेरेंट्स उसके जो माता पिता हैं वुड नेवर बाय हिम उसके लिए नहीं खरीदेंगे द बैलून्स उन गुब्बारों को बिकॉज क्योंकि दे वुड से वो कहेंगे ही वाज टू ओल्ड वो क्या है बहुत ओल्ड मीन्स बड़ा हो गया है टू प्ले विथ सच टॉय वो अब ऐसे खेलना उसे अब ऐसे खिलौनों से नहीं खेलना चाहिए. सो ही वॉक ऑन फर्दर और इस बार भी वो आगे के लिए चला गया. तो माय डियर स्टूडेंट अभी देखिए बच्चे जब बच्चे ने मेले में प्रवेश किया तो उसने तीन चीज़ों की ओर मोस्टली अटेंशन दिया. पहला क्या मिठाई जिसमें उसने बर्फी को अत्यधिक प्रेफरेंस दिया. सेकंड में वो कहाँ गया उसने फूलों वाला देखा. एक वो माला चाहता था लेकिन वो जानता था उसके फादर पेरेंट्स वुड नॉट गिव हिम उसे नहीं करेंगे उसके लिए नहीं लेंगे. और थर्ड बार उसने क्या देखा कि जो रंग बिरंगे उसने गुब्बारे देखे लेकिन वो जानता था अपने माता पिता की हैबिट को कि वो उसके लिए ये गुब्बारे भी नहीं खरीदेंगे. तो देखिए मेले में अभी बच्चे ने इतनी प्रकार की ये डिफरेंट चीज़ें देखी और उनकी ओर अट्रैक्ट हुआ लेकिन उसके माता पिता यहाँ से हम भी फाइंड आउट टू नो दैट हिज पेरेंट्स वर टैलेंट्स उसके जो माता पिता थे वो कैसे थे टैलेंट टाइप के थे. इसीलिए जो वर्ड था टैलेंट का इस चैप्टर में यूज किया गया था. तो आज के लिए बस इतना ही. इसके बाद पार्ट थ्री इसके जो अगले पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल माय डियर स्टूडेंट. और मैं आप इसके जो आगे की पार्ट है वो अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा. थैंक यू.